दांतों के बीच में इतना गैप है कि ट्रेन निकल ले। आज चलो तुम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये पानी और दूध क्या? एक्सक्यूज मी मैडम, सिग्नल तोड़ के आया हूँ। हमें लगा तुम किसी हसीना का दिल तोड़ के आयो। भसकने और लपाड़पंती करने के अलावा, चकल्लस के अलावा और कराया तो कुछ चौकी में? नहीं सॉरी। अरेस्ट करो इसे, इसका चालान कटवाओ, ट्रैफिक पुलिस को फोन करके, ये सिग्नल तोड़ गया है। अरे नहीं नहीं मैडम, सिग्नल तोड़ के आया हूँ, मेरा तकिया कलाम है। और मैडम ये मेरे पड़ोसी हैं और मैं पत्नी हूँ। किसकी, इनकी या इनकी? ऐसे इशारा करके दिखा रही है पड़ोसी है तो यही होगा ना, पति लंबू दड़ायो। हाँ मैडम, कई बार पति भी अपनी पत्नी का पड़ोसी होता है। होता है जी होता है। थारे से पूछा है किसी ने? केस बताओ भी क्या है। हाँ जी देखिए मैडम, मैं हूँ भंवर भड़बड़िया, सिग्नल तोड़ के यहाँ भ्रू, मेरा तकिया कलाम है, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पड़ोसी, बाकी आपको सलाम है। नमस्ते मैडम। मैडम मैं हूँ बिजली भड़बड़िया, सॉरी मैडम, ये मेरे पति हैं और ये है हमारे पड़ोसी जो है सारे मामले के दोषी। मम्मी परेशान है। वाला पापी जी, मतलब वेल, व्हाट इज द मैटर, इज द, क्या आपको किसी ने दे दिया है लव लेटर, इज द? अरे मैटर मैं बताता हूँ मैडम, देखिए दरअसल बात ये है, हमेशा की तरह कल शाम को भी मैं दुकान बंद करके अपने घर आया। घर आके मैंने अपनी बीवी बिजली से कहा कि भाई चाय वाय बनाओ, तब तक मैंने कपड़े चेंज किए, लुंगी वुंगी पहन ली और ढूंढने लगा अपनी घरवाली। घरवाली क्यों ढूंढ रहे थे यार, तुम्हारी घरवाली तो ये है ना, फिर इसको क्यों ढूंढ रहे थे तुम? घरवाली चप्पल, मैं ढूंढने लगा अपनी घरवाली चप्पल जो कि अक्सर मेरे बेड के नीचे होती है। तो जैसे ही मैं बेड के नीचे झुका चप्पल के लिए, तो मैं क्या देखता हूँ? चप्पल जी नहीं, ये मेरा पड़ोसी। मेरा पड़ोसी मेरे घर में मेरे बेड के नीचे छिपा बैठा था अपने मुंह में शेविंग क्रीम लगा के, और खुद मुझे मेरी चप्पल दे रहा था कि ये लीजिए। मैडम ये देखकर मैं रूठ गया और मेरी बीवी के साथ मेरा झगड़ा हो गया, वो भी एकदम तगड़ा हो गया, सिग्नल तोड़ के आया। और मैडम ये मेरे दुनिया के अनोखे पति जो इनसे पूछने की बजाय कि हमारे घर में क्या कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे थे कि सुनो बिजली, हमारे बेडरूम में हमारे बेड के नीचे हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है। बताइए मैडम मैं क्या जानू कि कब ये हमारे घर में घुसे, कब बेडरूम में चले गए और कब बेड के नीचे जाके छुप गए, वो भी शेविंग क्रीम लगा के। छी मम्मी परेशान है। क्यों मैं क्या कर रहा था? अपने पड़ोसी बावड़ा है तू है, अपने पड़ोसी के बेड के नीचे क्या छुपे बैठ, क्या कर रहा था तू मुंह पे झाग मल के? मैडम मैं डरपोक हूँ। मतलब तुम शादीशुदा हो? नहीं नहीं मैं तो कुंवारा हूँ, मेरा नाम है डरपोक, डरपोक डिसोजा, जाग के झरोके से। एक्चुअली मैडम बात यह है कि रोज रात को मैं सो जाता हूँ और जब मैं सुबह उठता हूँ तब देखता हूँ कि मेरे चेहरे पे ये शेविंग क्रीम लगी हुई है, इसलिए मैं डर जाता हूँ। तो कल क्या किया, कल मैं इनके घर पे आ गया और इनके बेड के नीचे सो गया, तो उतने में इन्होंने मुझे पकड़ लिया और लताड़ दिया और कहा कि जाओ अपने घर पे, कल सुबह पुलिस स्टेशन जाना है झाग के झरोके से, इसलिए मैं अपने घर पे चला गया, सो गया। और सुबह उठ के देखता हूँ तो फिर से किसी ने शेविंग क्रीम लगा दी मेरे चेहरे पे झाग के झरोके से। थारे मुंह पे क्रीम मल जावे कोई रोज रात, मतलब थारे मुंह पे चढ़ के एकदम घस घस के पेड़ डाले, खूब सारी क्रीम थोप डाले और तेने पता ना लग रही? नहीं बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। Well, Mom, ये आदमी लगता है मुझे बहाने बाजिजदा, घर के सारे बर्तन धो के आया हूँ मैं आजिजदा। तीन चार घर और पकड़ ले। Carry on. आओ जरा। बातें कर रहे हैं। तो आगे से इनके घर पे मत मिलना कभी भी, मतलब ना बेड के नीचे, अलमारी अलमारी के पीछे, ना कुछ, खुद बुलाएं ये लोग तो भी ना जाना कि ना, नॉट फ्रेंडली टर्म्स, ऐसा रखो रिलेशनशिप। ओके जी समझ गया। गुड चलो अब निकलो।
ना अकेले निकल चल, हम भी जाएं। आप लोग भी चलिए। थैंक यू मैडम। सिग्नल तोड़ के क्या समझाया था जी उसको कान में? आज तुझे भी समझा दूं? नहीं मैं तुझे नहीं नहीं क्यों चलना बहुत दिन हो गए। नो डाल इसे अंदर। नमस्ते मैडम। सॉरी सॉरी। ओह माय गॉड मॉम ये तो आ गए हैं अगेन इज द मेरे बिना हसीना को नहीं है चैन इज द। मैडम आपने पहचाना मुझे? हम क्यों पहचाने यार, हम क्यों पहचाने? कौन हो तुम, शाहरुख खान हो या सचिन तेंदुलकर हो? अरे नहीं मैं हूँ भंवर भंवर भड़भड़िया। सिग्नल तोड़ के आया और ये मेरी पत्नी और ये मेरा पड़ोसी जिसने हरकत फिर की है। मारे मना करने के बावजूद तू मान नहीं रहा है? बिल्कुल नहीं मान रहा है मैडम, बिल्कुल नहीं मान रहा है मैडम। ये हमेशा की तरह कल भी मैं अपनी दुकान बंद करके अपने घर आया और आकर मैंने अपनी बीवी से कहा कि भाई कुछ चाय वाय बनाओ और उसके बाद मैं अपने बेडरूम में गया और लुंगी उंगी पहनी और कपड़े चेंज किए हैं। हाँ बिल्कुल, आपको कैसे पता? खैर उसके बाद मैं अपनी ढूंढी घर वाली स्लीपर इज द, मेरी सास मुझे समझती है स्लीपर इज द। हाँ लेकिन आपको कैसे पता? अपनी दिनचर्या जो है ना लास्ट टाइम भी आके गा के गया था यहाँ, फिर वही बता रहा है। मुद्दे पे आ जाओ वरना गोली गाली चल जाएगी। अब यहाँ फालतू केस लेके आए हैं। अरे मैडम ये क्या बताएंगे, ये क्या बताएंगे? मैं बताती हूँ, मम्मी परेशान है। मैडम जैसे मेरे हस्बैंड बाथरूम में नहाने के लिए गए ना, यानी कि ये तो देखते क्या है कि हमारे बाथरूम में हमारे पड़ोसी यानी कि ये महाशय पहले से नहाने के लिए बैठे हुए हैं, वो भी शेविंग क्रीम लगा के। बताइए मैडम मम्मी परेशान है। सुसरे पिट के तू माना ना है इनके घर। मैंने कही थी जाए फ्रेंडली टर्न पे मत रहियो, बिल्कुल ना पाया जाइयो, फिर क्यों पाया गया तू? तब मैं क्या करूं मैडम, आप लोग मेरी बातों पे यकीन ही नहीं कर रहे ना। मैडम मैंने कहा ना कि मैं रात को घर पे सोता हूँ और जब सुबह उठता हूँ तब मेरे चेहरे पे शेविंग क्रीम लगी हुई होती है झाग के झरोके से, जबकि मैं कुंवारा हूँ ये भी मैंने आपको बता दिया है। अकेला रहता हूँ घर में और रात को दरवाजा बंद करके सोता हूँ झाग के झरोके से। किसी में शक हुआ कहते हैं? हाँ मैडम मेरे घर के सामने एक सलून है ना। हाँ। वहां पे दो नाई काम करते हैं, उनसे मेरा हमेशा से झगड़ा होते रहता है झाग के झरोके से। झगड़ा क्यों? उन्होंने तुम्हारी आधी दाढ़ी मूंड दिया मूछे? नहीं ऐसा नहीं है, वो लोग अपने सलून में ना छिछोरे टाइप के गाने बजा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि भैया ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ पे ऐसे टाइप के गाने मत बजाओ, लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वो लोग है कि मानते ही नहीं है। सैलून हमारे राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक के रिश्तेदार हो, हम जो तुमसे पूछे उसका सही सही जवाब दो। ओके इफ यू ऑल डोंट माइंड 2 मिनट ब्रेक। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ पर हमसे कोई गलती हो गई क्या? कैंची पलट दूंगा। डरपोक डिसूजा को जानते हो? मैं जानता था। नहीं जानता था क्या होता है, जानता है कि नहीं जानता है? नहीं, आपसे नहीं बोल रहा मैं, इनसे बोल रहा था कि मैं जानता था कि वो हम लोगों की FIR लिखाने पुलिस चौकी जरूर गया होगा, उस तरह उलट दूंगा। आखिरकार वो पुलिस तक पहुंच ही गया, कैंची पलट दूंगा। अबे तुम दोनों उसके बेडरूम तक पहुंच सकते हो तो क्या वो पुलिस तक ना पहुंच सकते हैं? बेडरूम तक? अरे नहीं नहीं साहब ऐसा क्या, एक सेकंड, तू गया था क्या उसके बेडरूम में? उस तरह उलट दूंगा। अरे यार कमाल कर रहा है, आज तक मैं अपने बेडरूम में नहीं गया तो उसके बेडरूम में कहां से जाऊंगा, मैं तो यहां दुकान पर ही सोता हूं, कैंची पलट दूंगा। ले 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 शरीफ बच्चे कुछ ना जानते हैं बेटा, तुम लोग डरपोक डिसोजा के बेडरूम में गए थे नहीं गए थे, क्यों गए थे, क्या करने गए थे, ये तुम लोग खुद अपने मुंह से उगलोगे, समझ गए? बिल्लू ले चलो इन दोनों को चौकी। कौन बिल्लू?
मैं तेरी माँ हूँ। कुछ हुआ था क्या सर? इन दोनों को चौकी ले चलो। अरे हम सर खुद चल रहे हैं ना। चल रहे भाई साहब, चलो पैसे रख देना यहाँ पर। जाना मत है, अभी आके कटिंग कर। चल चल बैठो बैठो, आ रहे आ रहे आ रहे। चले चल, ये दोनों आने नहीं वाले, अपना बना के निकल लो। अरे 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 वापस आ। अरे अरे मैडम, अरे मैडम मैडम हमें माफ कर दो, आगे से हम लोग ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, उस तरह उलट दूंगा। अरे हाँ बदला, अब हम भूल कर भी छिछोरे गाने तो क्या भजन तक नहीं बजाएंगे। कैंची पलट दूंगा। ए, मैडम ये लोग क्या समझ रहे हैं, ये लोग गलत समझ रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि हम इन्हें छिछोरे गाने बजाने की वजह से यहाँ पर पकड़ के लाके पीट रहे हैं। छिछोरे गानों की वजह से ना पीट रहे, छिछोरे कामों की वजह से पीट रहे हो दोनों। एक सेकंड, कहीं तूने कोई छिछोरी हरकत तो नहीं की? उस तरह उलट दूंगा। अरे नहीं बदला, अरे मैंने तो जिंदगी में कोई अच्छी हरकत नहीं करी, तो छिछोरा काम कैसे करूंगा, कैंची पलट दूंगा। जो अबे शरीफ हो ना तुम दोनों, कुछ ना किया, बड़े शरीफ हो। अबे रोज रात को इस डरपोक डिसोजा के घर में घुस के इसके मुंह पे झाग वाला क्रीम लगाते हो और बोलते हो कोई छिछोरा पंतिया काम नहीं किया, अबे रख के देंगे। अरे वेल मॉम, ये दोनों हैं बड़े बदमाश इज्जा, मुझसे कपड़े धुलवाती है मेरी सास इज्जा। क्या करती है? अरे नहीं नहीं मैडम, हम सच कह रहे हैं। अरे हम लोगों में से किसी ने भी इनके मुंह पे शेविंग क्रीम नहीं लगाई है, उस तरह उलट दूंगा। अबे नहीं लगाई है, लेकिन इसको तो शक तुम ही पे है। अरे नहीं मैडम, ये है ना बेकार में शक कर रहे हैं, अगर ये हमारी दुकान पे खुद आए ना शेव करवाने के लिए, हम तो भी इनकी शेव नहीं करेंगे। तो घर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कैंची पलट दूंगा। इंसल्ट। हाँ तो ठीक है ना, तो फिर ये बताओ ना कि ये मेरे चेहरे पे शेविंग क्रीम लगा कौन रहा है, जाके जरोके से। अबे आंख के अंधे, जब खुद को ही पता नहीं है थोपड़े पे आके कौन क्रीम लगा रहा, तो क्यों मुंह उठा के फाइल लगाने आ गया? सोचने की बात है, जब इतनी मार खाने के बाद ये कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया, तो हो सकता है कि उन्होंने नहीं किया। हाँ मैडम, क्योंकि आपके हथौड़े जैसे हाथ, मतलब ऐसे हाथ का ऐसा चाटा खाने के बाद में तो कोई भी शाबाश हो जाएगा ना मैडम। अबे लेकिन क्रीम तो फिर भी लग रही है ना मुंह पे। गोपी या? किशन सोवे। गोपी किशन की सीडी लगा के देख घर में, नम्रता सिरोडकर को देख। गुलगुले जी, रात को इसके घर के बाहर ताला लगा और तू और गोपी बाहर खड़े रह के बिल्कुल मुस्तैदी से चौकीदारी करो फुल नाइट। ईब देखते हैं सेविंग क्रीम कैसे लगती है। तो इस वक्त भी अखबार पढ़ रहे? अरे यार गुलगुले, तुम्हें पता ना बंदे रात को 100 काम करने होते हैं यार, 2 घंटे में पहली लेट चल रहा हूँ, बस मैं अपना ध्यान डिवाइड करना चाहता हूँ अखबार में, बस इधर ध्यान रहे उधर जाए ना। हाँ यार ये भी ठीक है, ये भी ठीक। ये लीजिए, आप लोग ने जो जो खाना मंगाया था वो सब लेके आया हूँ जाग के जरोके से, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि आप लोग इतना खाओगे तो आपको नींद आएगी ना। डोंट वरी, मैंने उसके लिए चाय का थर्मोस भी लेके आया हूँ साथ में, अगर आप लोगों को नींद आएगी ना तो चाय पी लीजिएगा जाग के जरोके से, लेकिन प्लीज़ आज
आज आप उस आदमी को जरूर पकड़ेगा जो मेरे मुंह पे ये झाग लगा के चला जाता है, शेविंग क्रीम लगा के चला जाता है, झाग के झरोके से प्लीज। अरे यार उसके लिए तो आए हैं, और तुम टेंशन मत लो, मेरा सिस्टम एकदम उल्टा है। मैं जितना ज्यादा खाता हूँ ना, मेरी आंख उतनी खुल जाती है। वाल ब्रो, डोंट वरी इज द लप्पी है मेरे लिए परी इज द है। आराम से अंदर जाके सो जाओ यार, मैं बाहर से ताला लगा देता हूँ। चलो अच्छा सो जाओ। लेकिन पकड़िएगा जरूर। हाँ पहले खाने तो दो। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। कोई कवाकूब तो नजर नहीं आ रहे यार। स्वीट ड्रीम्स। ड्रीम। चल यार जम के खाते हैं। यार ये कुछ चाय का टाइम है, चाय रख गया यहाँ पे। हट खाना तो खा ले। वाह। हाँ जब तक मुंह ना धो लूँ ना, अच्छी नींद नहीं आती। जाग के झरोके से फ्रेश फ्रेश फील होता है। या कितने ओहो टाइम टू स्लीप। आया हे प्रभु। यार उसने सही कहा था यार, खाना खा के नींद बहुत आती है। हाँ यार गोपी बहुत नींद आ रही है यार। एक काम करते हैं, देख 2:30 बज रहे हैं, एक बार ताला खोल के अंदर जाते हैं, देख लेते हैं कि सब ठीक ठाक है। वो भी आराम से सो रहा है, वो एक बार देख के अपने घर जाके आराम से सोते हैं यार। और कल सुबह मैडम को चौकी में जाके कह देंगे कि हमने पूरी रात जाग के ठीक से एकदम ड्यूटी की। गुड बॉय। चलो चल हो जाए फिर। यार बाहर से ताला लगा रखा है तो ये कैसे हो गया यार गोपी? जरूर ये शेविंग क्रीम लगाने वाला यहीं कहीं आसपास होगा। चल ढूंढते हैं। ओके तू इधर जा, मैं इधर जाता हूँ। चल चल। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, कौन हो सकता है? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है यहाँ पे। लगता है यही है जो उसके मुंह पे शेविंग क्रीम लगा के भाग जाता है। आज ये मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा। सॉरी, मुझे ऐसा लगा जो मुंह पे शेविंग क्रीम लगा के चला जाता तुम वो हो। सॉरी। अच्छा तो ये दो आदमी हैं जो रोज रात को मुझे शेविंग क्रीम लगा के जा रहे हैं। अच्छा आज नहीं छोड़ेंगे, आज मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा जाग के झरोके से। मेरी साइड में आने की क्या जरूरत है? अरे मुझे तो ऐसा लगा कि आप दोनों वही हो जो मुझे रोज रात को ये शेविंग क्रीम लगा के चले जाते हो जाग के झरोके से। आई एम सॉरी नेशनल। मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है,
बोली ना ये गोली चलेगी गोली। ताला सही से बंद करा था नहीं करा था? या? Yes! ताला बंद करने के बाद दोनों वहां से एक मिनट के लिए भी हिले थे? सोच के जवाब दो। नो no. अबे तो अगर ताला ठीक से बंद किया और कोई वहां से गया नहीं तो उसके मुंह पर ही झाग कैसे लग गया? बे गुत्थी उलझती जा रही है, आखिर मामला है के? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।